गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल पर। इसमें हम आज आपको बताएंगे राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम का नेक्स्ट पद्यांश, जो कि इस प्रकार है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। यहाँ पर मृत्यु से लोग जो डरते हैं, उसको कवि ने कहा है कि आप मृत्यु से कभी भी ना डरें। निर्भय यानी बिना डरे आप मृत्यु का स्वागत करें। जब आपको मृत्यु का एहसास हो तो आप डरे नहीं, बल्कि उसका बिना डरे स्वागत करें। और क्यों करें? क्योंकि यहाँ बताया गया है कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। अर्थात जब से हम पैदा होते हैं, तब से हमारा जीवन अलग अलग कार्यों में, अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग कामों में लगा रहता है। जीवन हमारा हमेशा जिम्मेदारियों और कामों में लगा रहता है, परंतु मृत्यु के बाद हमारा एक विश्राम होता है इस शरीर का। हम शांति से लेटे होते हैं। तो यहाँ पे कहा है कवि ने कि मृत्यु से डरो ना, क्योंकि मृत्यु क्या है? हमारा एक विश्राम करने की जगह है। जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। जहाँ से फिर से मनुष्य एक नया रूप लेता है, नया जीवन लेता है, और जाके वो फिर एक नए जीवन की शुरुआत करके एक नया काम शुरू करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले तो उन्होंने बताया कि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। अब दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि मृत्यु क्या है? एक नदी के समान है जिसमें हमारा शरीर जो है नहाता है, और श्रम से थका हुआ हमारा शरीर फिर से नहाकर, फिर से पुनर्जीवित होकर, सारी थकान को उसमें मिटाकर फिर से एक नया जीवन लेने के लिए तैयार। धारण करता काया रूपी वस्त्र बहाकर। जिस प्रकार नहाने के बाद हम फ्रेश होते हैं, फिर से एक स्फूर्ति आती है अगले काम को करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी हमारा एक नदी के समान है जिसमें हम फिर से जाके नहाते हैं और फिर से हमारे अंदर एक नया जीवन शुरू होता है। नया काया धारण करते हैं हम, नए वस्त्र धारण करते हैं, और फिर से हमारा एक नया जीवन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो हमें मृत्यु से नहीं डरना है। और ये उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो लोग अपने देश के लिए अपने शरीर को भी दान कर देते हैं, निछावर कर देते हैं। और उन्होंने यही बताया कि शरीर क्या है? क्षण भंगुर है हमारा शरीर, और एक शरीर का अंत होता है तो हम फिर से दूसरे शरीर में अपना प्रवेश करते हैं, एक नया जीवन पाते हैं, दूसरा जीवन पाते हैं, और उसी तरीके से हम अपने जीवन को फिर से शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना है। थैंक यू।